आज का स्वागत शॉल से करने जा रहे हैं, शॉल पहना के। और सभी जो है का मोमेंटो उद्दीन डॉक्टर यूनुस साहब का एक वहाँ पे और होगा रखा है साहब, वहाँ पे और होगा एक दोन तो इसका श्रेय किसको देना चाहती है? इसका श्रेय मैं अपने मम्मी पापा और सर बैठे हैं, योनू सर और मेरी मम्मी और भाई लोग हैं, अजय मेरे भाई आए हैं, उनको देना चाहेंगे। तो टैलेंट होते हुए भी आगे नहीं बढ़ पाते और खोखले क्या? देखिए पॉजिटिविटी और जुनून, मेहनत किया है फलक ने लगातार लगभग 7 से 8 साल के बीच में, उतने घंटे की मेहनत जो करना सबके लिए मुमकिन होता नहीं है, और वो मेहनत मैदान पर रंग लाती है तब जब आप तकनीक और तमाम ऐसी चीज़ों के सहारे जो क्रिकेट में ज़रूरत होती है उसको पा लेते हैं। तो पलक ने वो सारा कुछ करने के लिए काफ़ी समय दिया है मैदान पर, और चाहे वो व्यवहारिक ज्ञान हो, चाहे तकनीकी ज्ञान हो, चाहे वो क्रिकेट के तमाम ऐसे अनछुए पल रहे हों जिसको लेकर के क्रिकेटर की ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आते हैं, उन सारी चीज़ों को एक साथ सजो करके गुलदस्ते में रखा है जिसकी वजह से आज फलक फलक पर है। कभी आपको ऐसा लगा कि मतलब जैसे घर वाले हैं सपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो आपको ऐसा कोई मौका आया कि आपने घर वालों को भी मोटिवेट किया? नहीं, मैं आपके सजने से ये कहना चाहूँगा कि फलक के माँ बाप तो वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने फलक को शायद ही कभी बंधन में रखा हो, उन्होंने तो सदैव क्रिकेट के लिए पूरी तरीके से अपना सब कुछ जोग रखा था। मैसेज कुछ देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से फलक का सिलेक्शन हुआ है और फलक ने क्रिकेट जिस तरीके से खेली, मैं तो सभी अपने पूरे देशवासियों में जितनी भी बेटियां होंगी सबको ये कहूँगा कि वो उसी तरीके से मेहनत और लगन के साथ खेलें, धैर्य रखें, और धैर्य के साथ साथ वक्त बदलता है, और वक्त बदलने के साथ एक कुछ ऐसा मिलता है जो आपको फलक की तरह ही दिखने लगता है। जिनारा फाउंडेशन आज सम्मानित किया है फलक को, कितना धन्यवाद दें। जी बिल्कुल, मैं डॉक्टर कदीर सर को और साथ ही साथ इनाया फाउंडेशन को भी शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने लगातार इस तरीके से जो एक प्रेरणादायी चीज़ें हैं वो आज हमारे बच्ची के लिए किया है, फलक को सम्मानित किया गया है। आज बोर्ड क्रिकेट से जिस तरीके से फलक ने अपने आप को अपना नाता जोड़ा है, वहाँ पर इनाया फाउंडेशन के साथ आज ये कार्यक्रम वाकई में प्रशंसनीय है, क्योंकि इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, छोटी छोटी बातों को, जो भी छोटी छोटी चीज़ें रही हैं मेरे लाइफ में स्ट्रगल के तौर पे, तो उन लोग सर लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे, तो इन लोगों के सपोर्ट की वजह से मुमकिन है। और जो मेरे सर हैं सबसे ज़्यादा तो इनको देना चाहूँगी, क्योंकि सर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, और UPCA एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को देना चाहूँगी, और क्योंकि उन्होंने मेरे टैलेंट को देखा और मुझे आगे तक जाने का चांस दिया, मौका दिया खेलने का। मैचेस खेलने का मौका दिया। अच्छा, कभी इस तरह का लम्हा आया कि लगा हो कि नहीं बहुत स्ट्रगल हो रहा है और मेहनत बहुत हो रही है या क्रिकेट से दूर होना चाहिए, कभी इस तरह कोई लम्हा लगा आपको? नहीं नहीं, ऐसा कोई लम्हा नहीं आया, जो भी लम्हा आया ऐसा उसको मैंने बस हार्डवर्क के लिए छोड़ दिया, ठीक है करेंगे अपन खेलेंगे क्रिकेट। वो लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जगह सम्मानित हो रही है, प्रयागराज की बेटियों को क्या मैसेज देंगी जो किसी कारणवश उनका टैलेंट है मगर वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? बिलीव ऑन योर सेल्फ, अपने ऊपर विश्वास रखिए, जरूर आगे जाएंगे। थैंक यू सो मच। और जो ये खड़े हैं सर, इन्होंने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इन्होंने सपोर्ट मुझे किया है और सर ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है, थैंक यू। सम्मानित हुई हैं तो कितना इनाया फाउंडेशन के लिए कुछ कहना चाहें आज आपको सम्मानित? थैंक यू सो मच सर को कहने चाहेंगे, डॉक्टर कादी सर को कहने चाहेंगे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने यहाँ पर मुझे बुलाया, सम्मानित किया, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर। आपका आइडल कौन है? भुवनेश्वर कुमार सर।
मैं उनके पेरेंट्स को यही बोलना चाहता हूँ कि जो भी टैलेंट अगर बच्चों में जो भी चीज़ का दिखता हो, अगर पढ़ाई का है तो पढ़ाई की तरफ, खेल का है तो खेल की तरफ, उसको मना ना किया जाए, उसको जो है वो प्रोत्साहन किया जाए और सपोर्ट किया जाए। और वाकई आज के ज़माने में लड़की और लड़कों में कोई भेद नहीं है। अगर लड़कियां जो है अगर आगे आगे निकलना चाहती हैं, पढ़ना चाहती हैं, खेल कूद में आगे जाना चाहती हैं तो आगे जाने दिया जाए। और कोई भी खेल ऐसा नहीं है जो लड़कियां नहीं कर सकती हैं आज की तारीख में। नहीं, प्रयागराज का नाम इन्होंने बहुत रोशन किया है आज की तारीख में। अभी तक प्रयागराज में अंडर 19 महिला उसमें किसी लड़की का अभी तक चयन नहीं हुआ है। तो हम फलक नाज को और उनके कोच अजय साहब को शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस तरह की जो कोच देते हैं, ट्यूशन देते हैं बच्चों को जो है वो, एक अच्छी बात ये है कि वो पैसा नहीं लेते हैं। बाद में ये मालूम चला कि जितनी भी स्टूडेंट इस तरह के हैं उनसे ये पैसा नहीं लेते हैं, फ्री आप कास्ट जो है ये कोचिंग देते हैं। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात, मैं अभी तक यही नहीं जानता था कि ये सर पैसा ले के काम करते हैं। तो आज मुझे मालूम चला कि ये पैसा नहीं लेते हैं और इन्होंने फलक में एक भी पैसा नहीं लिया है। यहाँ तक कि फलक की जो एजुकेशन है उसमें भी इन्होंने कारजू कॉलेज में एडमिशन कराया फिर अपने यहाँ इन्होंने इसीलिए, और इनका एडमिशन पहले कहीं और था। तो मैं तो यही प्रयागराज के लिए हमारी बहुत गौरव की बात है और हमारे पूरे प्रयागराज की जो जितनी भी पब्लिक है सबके लिए बहुत सम्मान और उसकी बात है, गर्व की बात है।